क्लास 9 स्टैंजा 4 ऑफ द पोइम द बैंगल सेलर्स. सम ऑफ पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड हुज लव हैज ब्लेस्ड एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट and serves her household in fruitful pride and worships the god at her husband's sides. Explanation. In the last stanza, the last stanza focuses on the life of a woman after she is married. लास्ट स्टैंजा में किन अब अनमैरिड गर्ल की बात होगी और जो लड़की की शादी होगी उसकी बात होगी. अब लास्ट पे बात हो रही है उस वुमेन की जो अपनी लाइफ के मिडवे होता है, जैसे कि एक वुमेन जिसकी उम्र 40 to 50 इयर्स के बीच बीच में होती है, जिसने अभी अपनी जो है लाइफ जो है आगे मैरिज के बाद अपनी काफ़ी लाइफ स्पेंड कर ली है. द बैंगल्स फॉर दिस वुमेन आर पर्पल विद गोल्ड एंड ग्रे फ्लेक्स. तो अब ये जो बैंगल्स है ना, अब जो पहले फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा में ब्लू सिल्वर और ब्लू कलर की बैंगल्स थी, मैरिड गर्ल के लिए येलो एंड रेड, अब इस जो वुमेन के लिए ग्रे गोल्डन और पर्पल जो चूड़ियाँ उनकी बात हो रही है. दे आर रिप्रेजेंटेटिव वुमेन हु इज़ मिडल एज और हु हैव रीच द मिड पॉइंट ऑफ हर लाइफ. तो ये जो कलर है बैंगल्स का किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन वुमेन को जो अपनी मिडल में आ चुके हैं, जिसने अपना लाइफ के भी मिड पॉइंट में है. वे शी इज रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ अ स्ट्राइफ. इस लाइन का मतलब है कि अब देखो जो एक वुमेन है उसने उसके अभी बच्चे हो चुके हैं, चिल्ड्रन हो चुके हैं, उसने किस तरह से पूरे परिवार को अपने अभी तक अच्छे से सब अपने परिवार को संभाला, अपने हस्बैंड की अपने बच्चों की केयर की है, जब उसने अपने परिवार के सारे. अब यहाँ पे उस इस चैंसर में एक वुमेन के उस इंडियन वुमेन की लाइफ में जब ये पॉइंट है, उसके प्राइड की बात हो रही है कि किस तरह से उसने अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपने सभी को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से अभी तक जो है उसका रिलेशन अच्छा जा रहा है और वो अपनी लाइफ जो है घर में हैप्पीली स्पेंड कर रही है, क्योंकि उसने वो इस स्टेज से होके गुजरी है और यहाँ तक पहुँची है. दिस इज़ द एज व्हेन शी इज़ ऑलरेडी बोर सन्स एंड इज़ प्राउड ऑफ हर लाइफ एंड शी सपोर्ट्स हर हस्बैंड बी इट इन लाइफ और वेन वर्शिप द हाउस होल्ड गुड गोड. तो यहाँ उसने क्या कहा, अपनी जो अपने हस्बैंड के प्रति, अपने घर के प्रति, सभी के प्रति फेथफुल रही है, उसने एक अच्छी अच्छी मदर बनी है, अच्छी वाइफ बनी है, तो उस पर प्राउड है, क्योंकि अभी तक वो अपने ऐसी लाइफ ऑफ स्टेज पर पहुँची जहाँ उसने अपनी सारी लाइफ फेथफुली अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए सारा कुछ जो है सेक्रीफाइस भी किया है. तो वो अपनी लास्ट स्टैंजा में बोला कि जो ये जो पर्पल और गोल्डन कलर की जो चूड़ियाँ हैं उस एज्ड वुमेन के लिए जो अपनी लाइफ के मिडवे में पहुंच चुकी है. तो यहाँ पर उसने सन्स की, यहाँ पे एक और बात की है, सन्स की बात क्यों की गई है, कि क्योंकि ये तब का ज़माना था जब बेटों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, इसलिए यहाँ पे डॉटर्स का नहीं है, बेटों का बोला गया है. तो बस लास्ट स्टैंजा में एक उस औरत की बात हो रही है जिसने अभी तक अपने फेथफुली अपने जो है घर को अभी तक बांध के रखा है, सभी उस हैप्पीली घर में रह रहे हैं और प्राइड, हाँ इस बात पे प्राइड होना चाहिए, प्राइड क्योंकि अच्छी बात है. और लास्ट में बताया कि कैसे वो व्हेन वर्शिपिंग द हाउस की वो अपने, यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि ये भी बोल सकते हैं कि अपने वो हस्बैंड को एज अ गॉड मानती है, उसको एज अ गॉड ट्रीट करती है.